हनुमानगढ़ से मैं आ गया, बड़े 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 से पूछेंगे, लेकिन हनुमानगढ़ से आए हैं, राजस्थान से, मनीराम जी। मनीराम जी ने, ये शर्मा जी ने ये बात रखी ना, वेट वेट वेट, अभी नंबर नहीं, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जी। देखिए इतिहास में मानती हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी बहस आज वर्तमान पर और आने वाले भविष्य पर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जो मुख्य मुद्दा है वो नीट जैसे एग्जाम जो लीक हो रहे हैं, इतने सारे यूजीसी नेट का प्रोग्राम लीक हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारा युवा है, ये युवा के भविष्य का सवाल है। आज जो युवा पढ़ता है लिखता है कितनी मेहनत करता है, उनके माँ बाप कितनी मेहनत करके उनको पढ़ाते हैं, अपना पेट काट के उनको पढ़ाते हैं, अपना घर बेच के उन्हें पढ़ाते हैं, और वो जब एग्जाम लीक हो जाता है तो उनके मानसिकता पर कैसा असर पड़ता है, इस पर बहस होनी चाहिए। और बहस इस पर नहीं होनी चाहिए कि संसद में स्पीकर कैसे चुना जाए या स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर कैसे चुना जाए, इस पर नहीं होनी चाहिए। नहीं, सब पे बहस होनी चाहिए, लेकिन जो अहम मुद्दा है, क्योंकि हमारे ये युवा है, ये हमारे देश का भविष्य है, ये आगे चलकर हमारे देश का भविष्य सुधारेंगे, लेकिन यहीं अगर वही पेपर लीक हो जाएंगे और बिक जाएंगे और अयोग्य बच्चे डॉक्टर बनकर आएंगे तो वो कैसे इलाज करेंगे, इन सब का बताइए जरा। और आप मुझे एक चीज बताइए, हम भविष्य की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे युवा हैं, अभी बहुत सारे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, अच्छी बात है, मैं भी बहुत आस्था रखती हूँ भगवान में, बहुत पूजा पाठ करती हूँ, और आप देखें एक ऐसी सरकार जिसके राज में केदारनाथ का सोना पीतल हो जाता है, एक आंधी में मूर्ति उड़ जाती है, और अभी आपने रिसेंटली देखा कि अयोध्या में जो कि अभी रिसेंटली मंदिर बनाया वो टपक रहा है, तो इन्होंने तो भगवान को नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार के लिए, तो इन्होंने तो भगवान के साथ भ्रष्टाचार कर दिया, तो ये इंसान को क्या छोड़ेंगे, हमारे देश के भविष्य को क्या छोड़ेंगे, बताइए जी। जी मैं ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफकोर्स आई विल, मैं बिल्कुल दूंगा चांस, बिल्कुल चांस दूंगा जी। सबसे पहले आम आदमी को खबर हो गया, आम आदमी पार्टी के, कि वहाँ मंदिर का जो है वो टपक रहा है, इनको बहुत जल्दी खबर हो जाता है। और पहले आप नौजवानों की बात करती है, मैं आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूँ। हाँ एक मिनट, एक मिनट। हाँ मैं कहा बैठिए, क्या कहा इधर, क्या कहा, इससे क्या है, घर है हमारा, नहीं इससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप आए कैसे बगैर पूछे, जनता लोकतंत्र है, इधर आइए, आइए मेरे पास आइए, आइए इधर आइए, आ जाइए इधर, आ जाइए नीचे करिए, आइए आइए इधर आइए, ना ये मेरा, उधर उधर जाइए, पता नहीं पीपल के पेड़ पे कैसे चप्पल लेके चढ़ जाते हैं आप, इधर इधर उधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, उस रस्सी के उस तरफ चलिएगा, भाई साहब खड़े रहिएगा उसी जगह, उसी जगह खड़े रहिएगा। हाँ जी, कौन बोलना था, हाँ जी, ये नौजवानों की बात कर रही थी, जरा उन नौजवानों को जो है जो धरना देकर के बैठे हुए सिविल डिफेंस वाले, उनके ऊपर जरा ध्यान दे दीजिए, तो आप बहुत बड़ी कृपा करोगे दिल्ली की जनता के ऊपर। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, संविधान का लेकर के किताब दिखा रहे हैं संविधान को वहां पर, मैं आज कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी यही संविधान अगर आप अपने पिताजी को दिखाए होते तो इस देश की जनता को पता लगता कि हाँ ये संविधान के रक्षक है। मैं सोनिया जी से कहना चाहता हूँ, सोनिया जी यही संविधान जो संसद में आप दिखा रही थी, यही संविधान अपने सासू मामा इंदिरा गांधी जी को दिखाती तो इस जनता को। अब सवाल आया जी, बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, कैसे हैं आप, कहां से आना हुआ, दिल्ली से जी, क्या नाम हो गया, सुशील कुमार, सुशील कुमार जी, जी मैं आ रहा बेटा, सुशील कुमार, अभी ये कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में कहते हैं ये कहते हैं, हाँ जी, जी संविधान कैसे खतरे में है, इमरजेंसी इन्होंने लगाई, हाँ नसबंदी इन्होंने की, नसबंदी इन्होंने की, इमरजेंसी इन्होंने लगाई, इन्होंने लगाई, हाँ। तो संविधान उस समय खतरे में था या आज खतरे में है, नहीं ये कहते हैं कि कई बातें इन्होंने गिनाई, जैसे मणिपुर का ये बात जिक्र करते हैं, ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, उससे कानून खतरे में, कुछ खतरे में नहीं है, ये सब कहने की बातें जी, कहने का कांग्रेस, कांग्रेस विल गेट अ चांस, रिएक्शन नहीं, मैं ये कहता हूँ बहस में सबसे अच्छी बहस वो जिसमें रिएक्शन ना हो, अब मैं दे दूंगा इसके बाद। दिनकर की कुछ पंक्तियां है, अच्छा दिनकर, आज दिनकर जी, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी नहीं उठाएंगे, दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरी को बांधने चला,
और जो था असाध्य साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये पंक्तियां आज इसलिए सटीक बैठती है कि जब स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है, आप बताइए ये किसने दलित विरोधी है, सुरेश जी के वो सबसे सीनियर नेता, लेकिन उनको नहीं चुना गया। वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बहुत समन्वय की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि हम उनकी सर्वसम्मति से उनका समर्थन करें। अरे हम तो कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सवाल हम पूछेंगे लगातार। इसीलिए आज देखिए यही संविधान की ताकत है कि आज हम जब सदन में गए हैं तो संविधान की कॉपी साथ लेकर गए हैं। डिप्टी स्पीकर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जी देखिए प्रतीक जी, अयोग्य व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। प्रतीक जी, अयोग्य व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप चुनाव भी करा लेंगे तो भी एनडीए ही जीतेगा। तीसरी बात सुनिए, जहां जहां इनकी सरकार है वहां स्पीकर भी कांग्रेस का और डिप्टी स्पीकर भी कांग्रेस का। इनकी सहयोगी पश्चिम बंगाल में स्पीकर भी उनका और डिप्टी स्पीकर आम आदमी पार्टी की बहन बैठी है। और आप तो जानकार पत्रकार हैं भाई, आप यहीं का देख लीजिए, स्पीकर भी आम आदमी पार्टी का और डिप्टी स्पीकर भी इन्हीं का। लेकिन मुझे एक बात पे मुझे एक बात पे आपसे एतराज है, जो आपने एक सेंटेंस बोला कि अयोग्य व्यक्ति, जी जानते हैं क्यों? बताइए उसका रीजन क्या है। आपने कि संसद में कोई चुना हुआ व्यक्ति उसकी पहली प्राथमिकता यही है, प्रायोरिटी कि वो कोई सांसद ही होना चाहिए, ज्यादा बार का चुनाव होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि वो अयोग्य कैसे हुआ? दोनों हाँ, तो मुझे बताइए आप। एक तो देखिए, एक व्यक्ति दो बार हार जाता है और एक लोग लगातार 6 बार जीतते हैं, उनसे ज्यादा योग्य होते हैं जो लगातार जीतते हैं। तीसरी बात सुनिए, संसद की एक मर्यादा होती है, जो आदमी संसद में आंख मारे, जो संसद भवन में मजाक करे, जो संसद भवन के मर्यादा का अनुपालन न करे, जो प्रधानमंत्री के मर्यादा का अनुपालन न करे, निश्चित तौर पे ऐसे अयोग्य व्यक्ति, ऐसे अयोग्य पार्टी के हाथ में डिप्टी स्पीकर नहीं जाना चाहिए। जी 8 बार सांसद चुने गए उनके, आप ये क्या बोल रहे हैं? देखिए इनको कुछ भी नहीं पता, ये अहंकार है, इसीलिए जनता ने इनका अहंकार खत्म कर दिया। इनको बहुत अहंकार था कि हम तो 400 पार चले जाएंगे लेकिन और संविधान बदल देंगे, नहीं कर पाए ये, क्योंकि इनका अहंकार है। आप देखिए कि राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर का मुद्दा उठाया, नोटबंदी का मुद्दा उठाया, अडानी का मुद्दा उठाया, इसीलिए इन्होंने राहुल गांधी को सस्पेंड क्यों किया, क्योंकि इनको डर है और इनको डर अभी भी सता रहा है। इनको रातों को नींद नहीं आ रही है क्योंकि इनको पता है कि राहुल गांधी, अखिलेश सब मजबूती के साथ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव बड़ी मजबूती के साथ। मैं आ रहा बेटा, आ रहा हूं। कहां से आना हुआ? दिल्ली से। मैं आता हूं जी। हाँ हाँ जी, शो। मैडम सिर्फ राहुल चालीसा पढ़ रही हैं। मैडम ऐसा है, मैडम सुन लीजिए, ऐसा है, स्पीकर का चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, स्पीकर का चुनाव सुरेश जी लड़ रहे हैं, लेकिन इनको दलितों से नफरत है। ये एक दलित नेता के का गुणगान नहीं करेंगे, चूंकि जो चुनाव लड़ रहा है चर्चा तो उस पर होनी चाहिए कि वो योग्य है कि नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इतनी बार जीते हैं, राहुल गांधी योग्य। अरे बात स्पीकर की हो रही है तो जो कैंडिडेट है उनकी तो, उनका तो परिचय दीजिए, इनको तो पता ही नहीं होगा। उन्होंने दिया तो नाम किसने लिया? आपका दिमाग ठीक तो है या फिर ध्यान से अपने कान चेक करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत इनको है। डॉक्टर किस, मैंने क्या कहा, इन्होंने लालू नीति सॉरी राहुल चालीसा ही पढ़ना शुरू किया। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने बार बार कहा युवाओं की चिंता नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ देश में एक ही युवा दिखाई देता है, 50 साल का युवा, और उसकी चिंता है इनको। अरे देश की अगर युवाओं की चिंता नहीं होती तो हम हर तरफ डेवलपमेंट का काम नहीं करते, और इस सरकार को देश के युवाओं ने चुना है। देखिए मैं आया। हाँ जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? नजफगढ़ से। क्या नाम है आपका? भव्या जी, बताइए भव्या। देखो वैसे तो सब मुझसे बड़े हैं यहाँ पे तो... नहीं, कुछ लोग छोटे भी हैं आपसे, सारे लोग बड़े हैं, ठीक है जी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि क्या काम करती, पहले ये बताइए मुझे। काफी तो मैं 18 साल की हूँ। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, बहुत उन्नति करें, बहुत अच्छा काम करें जी। अब बोलिए आप। जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा है कि अघोषित इमरजेंसी है पिछले 10 साल से, उनमें बहुत से ऐसे राजनेता हैं जो बड़े भी हैं और उन्होंने वो इमरजेंसी सही भी है, उसके बाद भी अगर ये कहते हैं कि उन्होंने सारी वो इमरजेंसी सही है जो 75 वाली, हाँ जो हुआ है उस वक्त सहने के बाद भी फिर से कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी और फिर से सरकार चुनी गई है, ये क्या बात? फिर तो ये जनता पे शक कर रहे हैं कि जनता बिल्कुल पागल है कि उन्होंने फिर से चुनी है ये सरकार। दोबारा नहीं, दोबारा
तो ये सवाल ये है कि आप जनता के निर्णय पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? आगे कहां से आना हुआ? बिहार से आना हुआ मेरा। हैं? बिहार से। खड़े रहो, ऐसा बिल्कुल एकदम ऐसा तो आप में दानिश रिजवान साहब भी बिहार से हैं, मैं उन्हीं से सवाल करूंगा। क्या नाम हो गया आपका? अफरोज मासूम नाम है मेरा। अफरोज मासूम साहब, 5 मिनट, 5.5 मिनट ऐसे ही सावधान की मुद्रा में खड़े रहो, जब सवाल पहुंचने का तुम्हें तमीज आ जाएगी तब आऊंगा। हाँ आप बोलो तुम। जी सर। हाँ अब क्या बात है, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित महलवाल। रोहित महलवाल ये दिल्ली के रहने वाले? जी दक्षिणी दिल्ली से। दक्षिणी, साउथ दिल्ली के? हाँ वो मुझे लग गया था कि साउथ दिल्ली का ही कोई टेम्परामेंट है ये। देखो एक बात समझ लो बेटा, विनम्रता सबसे बड़ी चीज है और पॉलिटिक्स में अगर आना है तो विनम्रता जरूर रखना पड़ेगा। कोई हाँ झुक के तो दुनिया ने, इस देश में जो फकीर है वही मुल्क में सबसे ऊपर होता है। राजा यहाँ पे कभी कोई रघुवर नहीं बन पाएगा, फकीर हो तो ऊपर पहुंच जाओगे। बोलो काल तंत्र के लिए ही बांधा है। आप जो बोलो तो मैडम जी, राहुल चालीसा गा रही थी, इनसे जरा पूछें, उनकी दादी जो इंदिरा जी हैं उनके लिए लगा रखा है यहाँ पर स्टेज। ये जो लोकतंत्र छीन लिया था इसलिए ये टीका लगाया है, ये तुम्हारी काली नजर के लिए है। दूसरी बात, अब आगे ऐसा ना हो इसका भी तुम्हें इंतजाम करना पड़ेगा। आप बोलो अफरोज भाई। जी भाई साहब। हाँ। अभी भाई साहब जो है सबको बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के कि हमारा वहाँ प्रोग्राम चल रहा है वहाँ चलो। कौन बोल रहा था? वो भाई साहब अभी बोल रहे थे। कौन बोले? जो काला पट्टी लगाए हुए हैं। हाँ। अभी वो बोल रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे थे? जब आप उनको निकाले प्रोग्राम से तो वो बोल रहे थे कि मेरा प्रोग्राम वहाँ चल रहा है, आपातकालीन के बारे में वहाँ चर्चा हो रहा है, यहाँ क्या सुन रहे हो? लेकिन मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, तुमने बोला था बहुत अच्छा किया, लेकिन बाबू जहां पे बढ़िया पंचायत और निष्पक्ष पंचायत चलेगी और ईमानदारी से काम चलेगा वहीं पे मक्खियां बन बनाएंगी। ऑल द बेस्ट। ये मैं ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अब तुम भड़काते हो यार, कौन पूछो? 48 साल पहले नसबंदी हुई, इमरजेंसी लगा, लेकिन आज से 21 दिन पहले 4 जून को जो आपातकाल आया, कहां? इंडिया में। कैसे? जो नीट पेपर लीक का रिजल्ट आया, वही बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे, ऑपरेशन करने जाएंगे, वो नसबंदी करेंगे, वो जो है स्टोन नहीं निकालेंगे, बल्कि वही डॉक्टर जो वही डॉक्टर बनकर। बिहार में कहां से करेंगे? मैं बिहार में अररिया से हूं। अररिया।